नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर गंगा नदी से आ रही है। गंगा नदी में 7 किलो का तैरता हुआ पत्थर मिला है, जिसकी वजह से हर कोई हैरान हो गया है। आप जान सकते हैं कि पानी में ज़्यादा वजनी चीज़ नहीं टिकती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 7 किलो वजनी जो पत्थर है पानी में तैर रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के श्री रामपुर के गंगा घाट पर अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शी अनिकेत झा और मनोज सिंह ने दावा किया है कि 2 पत्थर पर जय श्री राम लिखा था। जब हाथ में उठाकर देखा तो इन दोनों पत्थरों का अनुमानित वजन 6 किलो से 7 किलो लग रहा था। काले रंग के ये पत्थर नदी में तैरते दिखे हैं। इन्हें देखने के लिए श्री रामपुर के गंगा घाट पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद लोगों ने इस पत्थर को गंगा में बहा दिया। स्थानीय निवासी अन्नपूर्णा दास ने कहा कि उन्होंने रामायण काल में भगवान श्री राम द्वारा पत्थरों से सेतु निर्माण के बारे में सुना था, लेकिन आज उन्होंने वास्तव में ऐसा पत्थर देखा जो जल में तैर रहा था। इस बारे में वैज्ञानिक तथ्य देते हुए पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के वरिष्ठ सदस्य चंदन देवनाथ ने बताया कि यदि पत्थर का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा तो पत्थर पानी में तैरता दिखेगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर गंगा से आ रही है। गंगा नदी में 7 किलो वजनी जो पत्थर है वो तैर रहा है, जो रहस्यमयी दोस्तों बन चुका है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आ रही हैं। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।